फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी डिलाइट्स फॉर फूडीज। आज मैं आप सबसे क्रिसमस स्पेशल एक यम्मी सा मफिन्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि अभी ऑरेंज सीजन में है, तो मैं ऑरेंज के साथ मफिन्स बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लिया है और इसमें हाफ कप ऑरेंज का जूस ऐड कर देना है। ऑरेंज का जूस ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें 3/4 कप चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी डिपेंड करता है आप कितना मीठा खाना चाहते हो। आप चाहे तो चीनी थोड़ा सा कम ज़्यादा रख सकते हैं। और सारा माप उसी कप से होगा जिस कप से हम मैदा लेंगे। देखिए, इस कप से मैंने मैदा लिया है, तो इसी कप से सारा नाप लिया है। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी, तो मैंने यहाँ पर 1/3 कप दही ऐड कर दिया है। और दही ऐड करने के बाद 1/3 कप ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑरेंज का पील, ऑरेंज का छिलका ऐड कर दिया है, जो मैंने ग्रेट करके लिए थे। और फिर इसमें वेनिला एसेंस ऐड करना है 1/2 टीस्पून। वेनिला एसेंस ऐड करने के बाद एक बार सभी चीज़ों को मिक्स करना है और 1.5 से 2 मिनट तक इसको विस्क कर लेना है, ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। और मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल यूज किया है। आप चाहें तो बटर या रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। ऑरेंज का जो जिस्ट मैंने यूज किया है, वो सिर्फ ऑरेंज के छिलके का ऑरेंज वाला पार्ट, छिलके के नीचे व्हाइट पार्ट जो होता है उसको नहीं लेना है, सिर्फ ऑरेंज पार्ट को ही ग्रेट करके ऐड करना है। तकरीबन 1.5 मिनट तक विस्क करने के बाद वेट मटेरियल तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ड्राई मटेरियल ऐड कर दूंगी। तो मैंने स्ट्रेनर में 1 ग्लास मैदा ले लिया और अब इसमें 1 पिंच सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट ऐड करने के बाद 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करूंगी। तो ये देखिए, बेकिंग सोडा मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद एक बार सभी चीज़ों को मैदा में मिक्स कर देना है और फिर इसको स्ट्रेन कर लेना है। तो ये देखिए, मैदा को मैं स्ट्रेन कर लूंगी। मैदा को स्ट्रेन करने के बाद मैदा को वेट मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स करना है। ज़्यादा नहीं विस्क करना है, बस एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए, मफिन मोल्ड्स को मैंने बेकिंग ट्रे में एडजस्ट कर लिया है। और ये सिलिकॉन मोल्ड का मैंने मफिन मोल्ड्स लिया है और उसमें पेपर का जो मोल्ड्स आता है उसको एडजस्ट किया है। आप चाहें तो सिर्फ पेपर मोल्ड्स में भी बैटर को ऐड कर सकते हैं। अब मैं मिक्सचर को सारे मफिन्स मोल्ड में एडजस्ट कर दूंगी। मफिन्स मोल्ड को ऊपर तक नहीं फिल करना है, हाफ ही फिल करना है, क्योंकि मफिन्स बेक होने पर राइज करेगा। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सारे मफिन्स मोल्ड को फिल करूंगी। तो सारे मफिन मोल्ड्स को मैंने फिल कर लिए हैं और अब ये बेक करने के लिए तैयार है। माइक्रोवेव को मैंने कन्वेक्शन मोड पे प्रीहीट होने के लिए रख दिया है और 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट तक मफिन्स को बेक करेंगे। हर माइक्रोवेव की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। और आप मफिन्स को एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट तक। मैंने माइक्रोवेव में तकरीबन 25 मिनट तक मफिन्स को बेक किया था। मफिन्स बिल्कुल डन है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। आप चाहो तो मफिन्स को ऐसे ही खा सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा इसके ऊपर में आइसिंग अप्लाई करूंगी। मफिन्स बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसको डिमोल्ड कर लूंगी और फिर इसके ऊपर में आइसिंग अप्लाई करूंगी। तो ये देखिए, सारे मफिन्स को मैंने डिमोल्ड कर लिया है। आइसिंग के लिए मैंने यहाँ पर क्रीम चीज लिया है। मैंने ब्रिटानिया का लिया है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। और इसमें मैं 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ऐड कर दूंगी। आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें कुछ ड्रॉप, 4 से 5 ड्रॉप
रोज पिंक कलर ऐड कर दिया है और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऑरेंज कलर भी ले सकते हैं, लेकिन पिंक कलर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं पिंक कलर ही यूज करती हूँ। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा वेनिला एसेंस ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो ऑरेंज एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में बहुत ज्यादा ऑरेंज का फ्लेवर पसंद नहीं है सबको, तो मैं आइसिंग में वेनिला एसेंस ही यूज करूंगी। और फिर आइसिंग को मफिन्स के ऊपर स्प्रेड करना है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से आइसिंग को स्प्रेड कर देना है। आप चाहो तो पाइपिंग बैग भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं स्पून से ही आइसिंग अप्लाई कर लूंगी। और ये बहुत ही इजी मफिन्स की रेसिपी है, बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीके से बना के दिखा रही हूँ ताकि बिगनर्स भी इसको बना लें। सारे मफिन्स पे आइसिंग अप्लाई करने के बाद अब मैं केक स्प्रिंकलर से इसको डेकोरेट करूंगी। ये देखिए कलरफुल केक स्प्रिंकलर्स है, इसको मफिन्स के ऊपर ऐड कर दूंगी। आप अपने पसंद का कोई भी स्प्रिंकलर्स ले सकते हो। मैंने थोड़ा सा ये व्हाइट वाला भी लिया है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में इस तरह से डेकोरेट करने से। तो ये देखिए मजेदार सा यम्मी सा क्रिसमस स्पेशल मफिन्स तैयार है। अगर आप सबको मेरी ये मफिन्स की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू रेसिपी डालूं आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।